सुखजीत सिंह पुत्र हंसराज और अशोक मुलजिम। इसके पिता का नाम क्या है? अशोक के पिता का नाम चनाराम। कहाँ का रहने वाला है? ये जोधपुर का रहने वाला। खास जोधपुर? जोधपुर ग्रामीण एरिया का। जी, कौन सा गांव है? इसका गांव है कुशलावा लोहावट जोधपुर। ये कब से कर रहा काम? ये अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों से बता रहा है। आज की इस हमारी पूरी कार्रवाई में पटियाला के सनौर पुलिस स्टेशन और पटियाला के SSO साहब श्री अजय कुमार जी और अन्य सभी स्टाफ का हमारा पूरा सहयोग रहा, जिस कारण आज हमें उसे टाइम पर हमने इसको दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। तो आपने क्या सूचना दी थी इनको कि हमने यहाँ पर रेड करनी है या इनको एड्रेस? हाँ, बिल्कुल। जब हमें पता चला कि इसका जो लोकेशन है वो सनौर में आ रहा है, तब हमने पुलिस थाने में संपर्क किया और यहाँ से हमें सहायता मिली। अज राजस्थान पुलिस तो ना ऐसे ही रीना जी आई थी, नाल उन्होंने पुलिस टीम थी। इन्हों को कुछ जानकारी मिली थी भी सनौर का एक कोई व्यक्ति है जिहड़ा जाली करंसी से तैयार करके राजस्थान सप्लाई करता है। इन्हों के नाल फिर असी ज्वाइंट जी रेड की, इतने गुरजीत सिंह नाँ का जो व्यक्ति है उत्थे जो काबू आया, उस करीब 55-56 हज़ार की नकदी तो नाल जाली करंसी प्लस जो सनौर सप्लाई नहीं किया। बाकी पार्ट ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है इतला मिली कि कुछ लोग नकली नोट लिए हुए हैं, तो उनको जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास गिरफ्तार मुलजिम अशोक की इतला के अनुसार हम पंजाब आए। ये गिरफ्तार के कहाँ के रहने वाले, कोई जानकारी इनके बारे में मिली कि कहाँ के, कब से काम कर रहे हैं? पहले से जो गिरफ्तार शुदा मुलजिम है वो जोधपुर के निवासी है, और उन्होंने इतला दी कि हम ये जो जाली नोट है वो पंजाब पटियाला से लेके आ रहे हैं। तो इसी की इतला के अनुसार हम पटियाला आए और इसको हम तलाश करते हुए इसके घर तक। तो राजस्थान में कहाँ सप्लाई करने थे नोट? ये राजस्थान के जोधपुर। जोधपुर में तो कब से कर रहे हैं ये काम? इन्होंने बताई कब से काम कर रहे हैं, अब तक कितने पर्चे इनके खिलाफ? हमारे पास जो गिरफ्तार मुलजिम है इन्होंने तो दो महीने का लगभग बताया कि 2 महीने से हम ला रहे हैं, और अब हम जब यहाँ से जो गिरफ्तार किया है मुलजिम गुरजीत सिंह, इसने बताया कि मैं पिछले 1-1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से लेकर आता? पंजाब में काम कर रहा है, पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है करेंसी लेकर आने का, डुप्लीकेट करेंसी जा रही है राजस्थान में, तो ये पंजाब में कहाँ से लेकर आता था? ये पंजाब में खुद ही अपने घर पर अपने प्रिंटर और अन्य मशीनें लगाकर छापता था और फिर आगे सप्लाई करता था। तो जो करेंसी पकड़ी, कितनी करेंसी है? अभी जो करेंसी पकड़ी है उसमें 100-100 के 45 नोट है और 500-500 के 68 नोट, 200-200 के 76 नोट है। तो ये तो ट्रेस कैसे किया आपने, कैसी जानकारी मिली, किसने आपको सूचना दी कि ये काम कर रहे हैं इस कब्जे से? जो हमारे पास प्रकरण संख्या 175 पुलिस थाना सरदारपुरा में जो चल रहा था उसके अनुसंधान में जो हमारे पास गिरफ्तार शुदा मुलजिम है मुलजिम अशोक ने इतला दी, इस इतला की तस्दीक में हम पटियाला आए और वहाँ पर इसने बताया कि मैंने इसके घर से मैंने खरीदे थे, तो इसी के इतला अनुसार हम इसके घर तक पहुँचे जहाँ हमें ये नोट गिनते हुए मिला। तो यहाँ से जो मशीनरी वगैरह जो स्कैनर है क्या वो पुलिस को बरामद हुआ वहाँ से? बिल्कुल, यहाँ पे इसका कंप्यूटर CPU और जो मशीनें छापने वाली मशीनें और नोट छापने वाली मशीनें और कुछ अन्य जो सामान जो नकली नोट बनाने में काम आ रहे हैं, लेमिनेशन की मशीनें हैं, कुछ कटर है और ऐसी कोई सामान है जो ये सामग्री लेकर आते थे, पेपर लेकर आते थे, कहाँ से पेपर उपलब्ध करते थे जो नोट वगैरह छापते थे? ये पेपर का इसने बताया कि मैं कोई सामान्य स्टेशनरी से कहीं से भी ये पेपर ले आता था। तो पहले 1.5 साल से ही काम कर रहा है? पिछले 1.5 साल से। तो इसके साथ कोई और भी इसका साथी है? नहीं, ये बताया कि मैंने YouTube से ही सीखा है और मैं अकेला ही छापता हूँ और आगे सप्लाई करता हूँ। तो कितनी करेंसी अभी तक है टोटल अमाउंट जो पकड़ी गई है, कहाँ से पकड़ी गई वो? अभी यहाँ से जो पटियाला से मिली है वो करेंसी हमें अभी जो मैंने बताया आपको 100-100 के 45 नोट, 500 के 68 नोट और 200-200 के 76 नोट है। इससे पहले हमने एक बार 45,500 और एक बार 37,500 पहले से हम बरामद कर चुके हैं। जो ये करेंसी सनौर से पकड़ी गई है गुरजीत सिंह के घर से, उसके साथ प्रिंटर पकड़े गए, कोई टोटल अमाउंट कितनी होगी आपका कुछ? लगभग 54,000 तक
तो अभी तक किसी ने मार्केट में भी सप्लाई की थी नोट स्नोल मार्केट में? मार्केट में जो पहले इन्होंने दो बार में ये जो जोधपुर भेजे थे, और इसके अलावा भी अभी पूछताछ करनी बाकी है, और विस्तृत पूछताछ करके बताया जाएगा कि और कहाँ कहाँ इसने सप्लाई किया है।